अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे ढाबा स्टाइल अंडा भुर्जी। ये बहुत बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स खाने में और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है फटाफट। तो आप देख सकते हो हमने क्या क्या लिया है। हमने 4 अंडे लिए हैं, बटर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 प्याज लिए हमने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 2 टमाटर इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी प्याज का हिस्सा लिया है हमने, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, आप मिर्च काट के भी डाल सकते हो, हमने पेस्ट लिया है, या आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 1 चम्मच सेजवान सॉस, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर इधर धरा, और ये तेल लेने वाला चम्मच है हमारा, इससे हम 1 चम्मच तेल और आधा बटर लेंगे, दोनों मिक्स। देखिए गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दी है, 1 चम्मच तेल डालेंगे और आधा बटर डालेंगे, 1 चम्मच तेल हमने डाल दिया है भरकर, देखिए बटर भी डाल दिया हमने इस चम्मच से, 2-3 चम्मच हमने बटर भी डाल दिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए तेल और बटर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, आप सिर्फ बटर में बनाना चाहो तो बटर में भी बना सकते हो, लेकिन बटर जल जाता है इसके लिए हम दोनों मिक्स लेते हैं हमेशा, इसी तरह से बनाते हैं हम। प्याज ऐड कर देंगे, दो तीन मिनट प्याज को फ्राई कर लेंगे। देखिए 2-3 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हो इसी तरह से इसको फ्राई करना है। गैस हमने मीडियम के बीच में ही रखा है, गैस हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है। अभी हम इसके अंदर हरी मिर्च का जो पेस्ट लिया था हमने, लहसुन और हरी मिर्च, वो ऐड कर देंगे। फ्रेश लेना है, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिए फ्रेश ही लीजिएगा, अदरक लहसुन और ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1-2 मिनट इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि हरी मिर्च और अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। देखिए हरी मिर्च और अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया 2-3 मिनट, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अभी हम इसके अंदर जो हमने टमाटर लिए थे वो ऐड कर देंगे, इस तरह से बारीक बारीक ही चॉप कीजिए आप भी टमाटर को, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए टमाटर डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर और हरा धनिया और ये हरी प्याज का थोड़ा सा हिस्सा लिया था हमने, धोकर इसको भी बारीक बारीक कट किया था, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए नमक डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, गैस हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है, अंडे हमने इस तरह से बड़े से बॉल में तोड़ लिए, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे, फेंट कर डालेंगे इस तरह से। देखिए अंडे डाल दिए हमने, सेजवान सॉस जो लिया था हमने वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हमको इसको मिक्स कर देना है। देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है और 2-3 मिनट हमने इसी तरह से इसको फ्राई कर लिया, आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी भुर्जी बनकर तैयार हो चुकी है, और बटर डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह इसके अंदर से। और आप ये हरी प्याज की जो पत्ती ली थी हमने, हरी प्याज का जो हिस्सा, आपको पसंद हो तो डालिएगा वरना स्किप भी कर सकते हो, हमको पसंद है इसके लिए हमने डाला है, आप ज़्यादा क्वान्टिटी में हरा धनिया डाल दीजिएगा। अभी हम गैस बंद कर देंगे और आपको सर्व कर दिखाएंगे, आप देख सकते हो इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। लीजिए बनकर तैयार है ढाबा स्टाइल
अंडा भुर्जी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगती है। हमने इसको थोड़े से हरे धनिया के पत्ते से इसकी गार्निशिंग की है। आप इसको ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा इसका टेस्ट कितना लाजवाब है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी भुर्जी किस तरह से बनी है। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। और हमारे रेसिपीज़ के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।